99 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज चैनल। जी नाज़रीन, आपको बताती चलूं आज जो है हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 40th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे यहां पर परफॉर्मेंस करेंगे और क्या क्या उनमें टैलेंट है ये भी हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। यहाँ की टीचर्स माशाल्लाह बहुत काबिले तारीफ है और एक इदारे को 40 साल मुकम्मल करने के लिए बहुत अरसा जो है दरकार होता है और माशाल्लाह से हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल ने ये अरसा बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ कम्प्लीट किया है। तो देखते रहिए क्या समय होगा, क्या सिनेरियो होगा इस वीडियो में। Thank you.
मेरे लिए आज एक ऑनर का मकाम है कि आज मुझे हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के अंदर यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया गया है, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि माशाल्लाह इतना अच्छा एक यहाँ पे इवेंट होगा। और आज मैं बच्चों में जो जोश खरोश यहाँ पे देख रहा हूँ, और अभी मेरी स्कूल की प्रिंसिपल से भी जो बात हुई है, इस तरह की ज़रूरत है कि कराची के अंदर इवेंट्स जो हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइज किए जाएँ, ताकि कोविड की वजह से जो लोग घर के अंदर मुकैद होकर रह गए थे, अब वो लोग जो हैं वो बाहर निकलें और इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। आज मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ, इट इज़ मोर लाइक अ फेस्टिवल ओवर हेयर। और मेरे लिए, जैसे मैंने आपके कहा है, कि खुशी भी है और ऑनर भी है कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि आज से 40 साल पहले मैं भी एक स्टूडेंट था, आज मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है छोटे छोटे बच्चों में आने में। और मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ जहाँ कहीं भी कोई तालीमी सरगर्मियाँ हो रही हों तो वहाँ ज़रूर जाता हूँ, ताकि एक तो अपना रिवाइवल होता है कि अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, और दूसरा ये कि बच्चों का हौसला अफजाई होती है। बच्चों को चाहिए कि पहले तो अपना गोल सेट करें कि अब उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है, कि आजकल बड़ी दुनिया आपको पता है तरक्की की तरफ जा रही है, ख़ासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। ये हमें अब अपनी रवायती उससे चीज़ों से निकलकर कि हम हर वक्त ये कि बच्चियाँ कहती हैं हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, इसके अलावा बेशुमार फील्ड्स हैं दुनिया के अंदर जिसके अंदर हम जा कर तरक्की कर सकते हैं, आईटी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए इंडिया के अंदर जो है आईटी जो है इस वक्त दुनिया में ऑयल से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया जी। तो हमें भी अपने चाहिए बच्चों को मोटिवेट करना कि जी जो बच्चे मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई उनका पेशेंट है कि जी मुझे डॉक्टर बनना है या कोई इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी फील्ड है जिसके अंदर बच्चों को जाना चाहिए। खुशी का मौका है और बड़ा अच्छा इवेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है कि इतने बड़े शहर में ये एक स्कूल चल रहा है और बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे कैंपसेस हैं, और ये रिकग्निशन है इनकी सर्विसेज का और लोगों का एतमाद है इनके ऊपर कि ये इतने सालों से कैंपस चल रहे हैं और मज़ीद कैंपसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ये अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। बच्चों को एजुकेट करना है बहुत बड़ा काम है, मैं समझता हूँ कि इनको इस पे फोकस करना चाहिए, मज़ीद बेहतर करना चाहिए, और शहर के दूसरे इलाकों में भी अगर दूसरे जो साउथ के एरिया है ख़ासतौर पे, मैं समझता हूँ कि वहाँ इनके कैंपसेस नहीं हैं, तो वहाँ भी ये इनके कैंपसेस होने चाहिए और वहाँ भी इनको इंशाल्लाह ताला बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। कलरफुल एक्टिविटी आज के दिन ऑर्गेनाइज़ की है, ये बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि कोविड के दिनों के अंदर हम लोग बहुत मेंटल स्ट्रेस में चले गए थे, तो ये बड़ी कलरफुल एक्टिविटी स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की बड़ी अच्छी गैदरिंग यहाँ पर रखी है, मुख्तलिफ स्टॉल्स बनाए हैं फूड के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि मैडम सदफ भट्टी, मैडम सिद्दीकी जो यहाँ मौजूद हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा राज तहसीन के मुस्तहक हैं कि इन्होंने इस तरह की एक्टिविटी जो है इन दिनों के अंदर ऑर्गेनाइज़ कराई, बड़ी अहम होती है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी इस किस्म की एक्टिविटी का होना। सबसे पहले तो अब इस असफ़ानी कैंपस को, हैप्पी पैलेस के असफ़ानी कैंपस को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और माशाल्लाह जो ये काम कर रहे हैं पिछले 40 साल से वो बच्चों में तालीम दे रहे हैं, और बच्चे जो हैं जो तालीम लेकर मुख्तलिफ दुनिया में फैले हुए हैं उसका सारा क्रेडिट जो है वो इस स्कूल को जाता है, इसमें तमाम टीचर्स को जो प्रिंसिपल हैं उन लोगों को जाता है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से 40 साल जो है वो एक बड़ा टाइम पीरियड होता है लोगों का जो तालीम के ऊपर इन्होंने अपना खर्च किया है,
और हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी यह है कि तालीम लेना और तालीम फैलाना दोनों जो हैं वो सुन्नत नबी भी है। तो मैं इस पे बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज के इवेंट के ऊपर। बहुत मुबारक हो हैप्पी पैलेस को, और ये बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं लास्ट 40 ईयर्स से, क्योंकि एक इकोनॉमिकल अमाउंट में मैं कहूँगा एक अच्छी तालीम दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इनके जितने ज़्यादा कैंपसेस हैं ये वही रोल है जो बुनियादी तौर पे जिस तरह गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, तो ये उसका रिप्लेसमेंट बेसिकली इन्होंने दिया है कि इसी तरह बड़ी तादाद में इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल दी हैं, तो एक क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को मिल रही है। नौजवानों को ये कहना चाहूँगा, और ख़ासतौर पे क्योंकि बच्चों की जगह पर हूँ तो बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में दिल लगाएं, एक्सेलेंस हासिल करें, सीखें, फिर कोर्स के अलावा किताबें भी पढ़ें ताकि उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो ये उनका बड़ा गोल्डन टाइम है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स में शामिल हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल हो। किसी का कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, कोई अच्छी तकरीर कर सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छी नात पढ़ सकता है, कोई अच्छी पेंटिंग बना सकता है, कोई अच्छी एक्टिंग कर सकता है। तो इस तरह की जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, जिससे आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प मिलती है, तो उसमें भी बच्चे ज़रूर शामिल हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह 40 साल पूरे हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यह 40 साल मेहनत में हमारे वाइस चेयर, हमारे चेयरमैन एंड ओनर मिस्टर आसिफ खान का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी मेहनत से ये सिलसिला शुरू हुआ था। 4 कमरों से एक स्कूल शुरू किया गया था और आज इसकी 30 ब्रांचेज हैं। मैं अपने सारे बच्चों के साथ ये चीज़ हमेशा शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे इस फील्ड में आए हुए 50 ईयर्स हो गए हैं और मैं अब अपनी गोल्डन जुबली मनाऊँगी इस चीज़ की। ये मेरा पैशन है। ये कोई आम आदमी मेरे ख्याल से इतनी मेहनत नहीं कर पाता जब तक उसको वो पैशन ना हो, तो मेरा ये पैशन था। और स्पेशली मैं मेंशन करूँगी इस इस्फहानी कैंपस को, 27 ईयर्स बिफोर हमने शुरू किया। बिल्डिंग थी, कोई बच्चा नहीं था, तो जब पेरेंट पहले बच्चे से जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैम ये बिल्डिंग यहीं रहेगी या शिफ्ट हो जाएगी, अभी तो कोई भी नहीं है, खाली है। मैंने उनसे वादा किया कि हम हर साल एक क्लास बढ़ाते रहेंगे और ये बिल्डिंग यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बाकी रहेगी, क्योंकि बिल्डिंग हमारी अपनी है। मैंने कहा ये नहीं जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 27 साल में मेरे 20 बैजेस मैट्रिक के निकल चुके हैं विद 100% रिजल्ट। 100% मेरा बच्चा पास होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि माशाल्लाह एक तवील सफ़र है 40 ईयर्स का जो उन्होंने तय किया, और बहुत कामयाबी के साथ सफ़र तय किया, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। तो आगे भी इनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं, और इनको बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह काम करते रहें और ज़्यादातर बच्चों को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन से आरास्ता करते रहें। बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से आपकी अपनी स्टूडेंट आपसे जल रही होंगी। नहीं, मेरे स्टूडेंट उससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं बहुत प्यारी हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह 40 साल पूरे हो चुके हैं, तो मुझे ये बताएं ये कैसे जद्दोजहद रही? देखिए, 4 decades हम गुजार चुके हैं और बहुत सख्त टाइम गुजरा है। स्टार्ट में हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट्स थे जब हमने स्टार्ट किया था, लेकिन आप समझ लें कि हमने 2 कमरों से स्टार्ट किया था और इस वक्त कराची में, पूरे कराची में मोर देन 30 ब्रांचेज हैं हैप्पी पैलेस स्कूल की, और मैं काम कर रही हूँ लास्ट 20 ईयर से। 2 decades तो मुझे ही हो चुके हैं। मैं
मैं और हैप्पी पैलेस एक ही उम्र के हैं और यानी कि दोनों के दोनों 26 साल के हैं जी बिल्कुल बिल्कुल और मुझे इतना टाइम हो चुका है इस्फहानी कैंपस में. मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया. अगर आप फ्लावर शो भी देखें तो ये सब बच्चों की काविशें हैं, टीचर्स की भी हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी इसी तरह एक्टिव रहते हैं हमारे साथ, तो मैं भी उनके साथ इसी तरह एक्टिव रहती हूँ. जिंदगी के सब रंग 99 के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को कवर करने का और हमारे प्रोग्राम में आने का. थैंक यू. बहुत अच्छा है. यहाँ पर हम हैप्पी पैलेस की 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें ताकि वो आगे और ज़्यादा अपने टैलेंट को बाहर लेकर आएं. मेरा हम लोगों ने डांस परफॉर्मेंसेस के लिए और दूसरी होस्टिंग वगैरह के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया है ताकि वो जो है अपना टैलेंट जो है बाहर ला सकें और बहुत अच्छी तरीके से एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो सके. मैंने स्टॉल लगाया हुआ है हैप्पी पैलेस स्कूल में और बहुत अच्छा इवेंट है इनका. बच्चे जो है बहुत अच्छी जो है वो पार्टिसिपेशन है बच्चों की, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और बच्चे को हर जगह जो है वो स्वीट्स पसंद होती है, इसलिए मैंने अपना स्टॉल यहाँ पे लगाया था कि बच्चे जो है वो एंजॉय कर सकें इसको. मैंने देखा आपने बड़ी खूबसूरत आवाज़ में गाना गाया, तो वैसे क्या घर में भी गाती हैं या नहीं? बस ऐसे ही जब कभी दोस्त साथ में बैठते हैं तो बस गा लेते हैं जी. हमें बहुत मज़ा आ रहा है. हम लोग जो है बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं खाने के, हम लोग वो एंजॉय कर रहे हैं, जैसे रोल है, गोल गप्पे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है. फ्रेंड्स भी हैं और साथ, तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है. इस साल ज़्यादा मज़ा आ रहा है बर्थडे में. मज़ा आ रहा है इस तरह, तो आपकी भी बर्थडे नहीं मनाई जाती होगी? हाँ ये तो बात है. माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है इन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है और देख के बहुत अच्छा लग रहा है. हमें अपना बचपन भी याद आना शुरू हो रहा है कि हम भी जब स्कूल में हुआ करते थे इस तरह से इंजॉय करते थे, और बहुत दिन के बाद इस तरह से ऐसे इवेंट में आके बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत मज़ा आ रहा है. एक्चुअली जो सदफ भट्टी है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और माशाल्लाह बहुत अच्छा ये रन कर रही है अपना स्कूल. और मेरी बेटी ने भी यहीं से मैट्रिक किया है, तो मेरा इनसे पुराना ताल्लुक है. और इस तरह के इवेंट ये करती रहती हैं और बहुत अच्छे करती हैं और हर किसी को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, चाहे वो स्टॉल हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हम जैसे लोग हों. तो हम लोगों को इस तरह के इवेंट में इन्वाइट करके और हमें भी इज़्ज़त मिलती है और हमें मज़ा भी बहुत आता है. यही सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखा तबका हो, पढ़े लिखे लोग हों. 40 ईयर्स यूँ हुए कि पढ़ के कितने इन्होंने बैचेस निकाल दिए, और पाकिस्तान को चाहिए कि जाहिल ना हो, पढ़े लिखे स्टूडेंट हो. और पढ़ाई और तालीम तो ये इबादत है, ये बड़े नेकी का काम है. और ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है. आज आके बहुत खुशी हुई और हमें भी अपने स्कूल का टाइम याद आ गया. और यहाँ पर तमाम जो ओनर्स हैं स्कूल के, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जिस डेडिकेशन के साथ वो जो यूथ को इंस्पायर करते आ रहे हैं. और हैप्पी पैलेस ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और एक आपके जो तालीमी इदारों के अंदर जो उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो एक रुझान बढ़ाया है वो भी काबिल तायद है. और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं तमाम देखने और सुनने वालों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि काइंडली ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें. पाकिस्तान का जो यूथ है वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और जिस तरह से इस मुल्क के मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने के लिए ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम खुसूसी तौर पर हैप्पी पैलेस स्कूल अपना किरदार अदा करता है. वो जो है वो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ. और ये जो 40 साल उन्होंने कंप्लीट करे हैं एजुकेशन में सर्व करते हुए, ये डायनामिक हैं इनकी खिदमात. और एजुकेशन ही वो तालीम ही वो जेवर है जिससे हम जो है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को नुमाइंदगी कर सकते हैं और पाकिस्तान को मुस्तहकम बना सकते हैं. तो हैप्पी बर्थडे हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल को. माशाल्लाह से इनके आज 40 जो है एनिवर्सरी है और काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, बच्चे बहुत खुश हैं. बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हैप्पी पैलेस इस कराची का मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नाम है, जो जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे होनहार तलबा निकल के आ रहे हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे जो है वो फाइज हो रहे हैं. कोई पायलट है, कोई इंजीनियर है. और सबसे बड़ी बात हमारी जो प्रिंसिपल साहबा हैं मिस सिद्दीकी, शी इज़ वेरी 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 केयरिंग एंड वेरी, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कुछ कि अच्छा हो सके. और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं बच्चों पे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपने हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल के लिए. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और हम स्कूल में पढ़ते हुए भी मुझे 10 ईयर्स कम्प्लीट हो गए, तो एक अपना ESC हो रही है इस स्कूल से और बहुत मज़ा आ रहा है. हम फंक्शन को इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का शो था. मेरी बच्ची ने फेरी का रोल भी इसमें किया था, बहुत बहुत इंजॉय. और स्कूल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट बच्चों में देखने को मिला. हालांकि ये न्यू कमर्स हैं, मेरा एडमिशन बच्चों का लास्ट ईयर ही हुआ है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मैंने अपने बच्चों में देखा है ग्रो होता हुआ, वो बहुत
अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो देख के दिल चाहता है कि बच्चे यहीं पढ़ते रहें। कैसा किया डांस? बस बहुत अच्छा गया। सबने अप्रिशिएट किया? जी क्यों नहीं। तो मैं देख रहा था डांस तुम्हारे अंदर से आ रहा था। जी जी। खुद कर रहे थे या आ रहा था? नहीं, खुद ही कर रहे थे, यानी कि तैयारी थी। अच्छा, तैयारी की थी। अल्लाह की कसम, खुद किया डांस? हाँ। मुझे लग रहा था देख किसी को देख के खुद आ रहा है। तुमने भी डांस किया, कैसा लगा? मजा आया। मगर मैंने नोट किया तुम डांस क्यों नहीं कर रहे थे? वो कुछ स्टेप इन्होंने ऐसे किए जो मैं भूल गया। कितने दिन में तैयारी की डांस की? 2-3 दिन में तैयारी कर ली थी। अच्छा, 2-3 दिन में कर ली। आप बहुत प्यारी और बहुत क्यूट लग रही हो, आपको पता है? हाँ। किस किस ने कहा? मैम ने कहा, मम्मा ने कहा था, मेरी फ्रेंड्स ने भी कहा था, टीचर ने भी कहा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई मस्ट से यू आर द वर्ड इज इन माय हेड, आई एम फायर अप एंड टायर्ड ऑफ द वे द थिंग्स हैव बीन, द वे द थिंग्स हैव बीन। Second, don't you tell me what you think that I can be? I'm the one, I'm the sail, I'm the master of my CEO. Ooh, the master of my CEO. Ooh. एनिवर्सरी पर बहुत ज़्यादा जो है जोशीले नज़र आए यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर्स, यहाँ पे जो आए हुए पेरेंट्स थे, और सबने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जो इवेंट था यहाँ पे, जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। मतलब इतना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है, और उसके बाद जब निखर के टैलेंट बाहर आते हैं तभी हम उसे पहचान पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके के इवेंट हमारे तालीमी इदारों में होते रहने चाहिए, क्योंकि यही बच्चों को जो है आगे ग्रूम करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करते हैं। इसी के साथ साथ अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।